नमस्ते, पीएसएम स्पीक में आपका स्वागत। 2022-23 का बजट कैसा है? ये बजट व्हाट इज इन इट टू यू? इज इट ए गुड बजट? बहुत बढ़िया बजट है ना। यदि आप मार्केट फोर्सेस फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, यदि आप इस सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस, बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ द बिजनेस, तो बहुत बढ़िया बजट है। केवल अच्छा ही नहीं, दी गई परिस्थितियों में इससे बेहतर होना असंभव है। लेकिन अगर आप गरीबी रेखा से नीचे है, निम्न माध्यम वर्ग, माध्यम वर्ग के है, साधारण जनता में से एक, तो दुर्भाग्य से बजट बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आइए देखें ऐसा क्यों है। हम जब बजट की बात करते हैं तो हमारा मतलब आवंटन से होता है। विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन, हमें कुछ राहत की उम्मीद, करों में राहत, हम चाहते हैं कि जो सामान हम खरीदते हैं वह सस्ता हो जाए, मध्यम वर्ग को आयकर में राहत, कर्मचारियों, स्वरोजगार वर्ग। क्या हम इस बजट में ऐसी चीजें देखते हैं? हम अधिक आवंटन की मांग करते हैं, लेकिन ये आवंटन कहाँ से आते हैं? लेकिन बजट मात्रा, साइज क्या है? पिछले कई वर्षों से बजट की ओवरऑल साइज मात्रा कम होती जा रही है। यह बजट भी कुछ अलग नहीं है। सरकार इस बजट में कुल कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव करती है? वह राशि निस्संदेह बहुत बड़ी लगती है, 29,44,909 करोड़। यह 2021-22 के संशोधित अनुमान से अधिक है। 2021-22 का संशोधित बजट था 37.70 लाख करोड़। इस प्रकार वर्तमान वर्ष का बजट अधिक दिखाई दे रहा है, परंतु यह सच नहीं है। यदि हम आंकड़ों को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में देखें, तो हम वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं। यह 39.44 लाख का बजट सकल घरेलू उत्पाद के 15.29% के बराबर है, जबकि बजट का संशोधित अनुमान 2021-22 जीडीपी का 16.23% है। आप कह सकते हैं कि यहाँ केवल 1% अंक का अंतर है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 1% 2.58 लाख करोड़ के बराबर होता। यदि 2021-22 बजट आवंटन का समान स्तर बना रहे, संशोधित अनुमान यहाँ 2.58 लाख करोड़ रुपए अधिक होता। इसीलिए कुल मिलाकर बजट स्तर कम है। अब वृद्धि की बात करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार खुश है कि विकास दर 9.2% है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक वृद्धि। यह अवलोकन हमें प्रसन्न करता है, लेकिन अगर हम विवरण देखें तो हम पाएंगे कि इतने खुश होने का कोई कारण नहीं है। यह वृद्धि कोविड महामारी या किसी अन्य कारण से भारी गिरावट के स्तर पर है। कोविड महामारी से पहले भी भारत में विकास दर में गिरावट का रुझान रहा है, तो अर्थव्यवस्था के पतन के लिए केवल कोविड को ही जिम्मेदारी नहीं ठहराया जा सकता है। यह दुनिया में हर जगह जैसा है, लेकिन यहाँ इस देश में कोविड महामारी से पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था धीमी। अब एक और बात जो अच्छी लगती है, इसमें हमें खुशी हो सकती है कि कोई नई कर नहीं लगाया गया है। व्यक्तिगत आयकर पहले जैसे ही रह गया, लेकिन यह गरीबों,
मध्यम वर्ग के, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों आदि के लिए संतोषजनक नहीं है, क्योंकि पिछले वर्षों के बजट में कई विसंगतियां पैदा की गई थी जिन्हें नहीं बदला जा रहा है। इसका मतलब है कि बनाई गई विसंगतियां जारी रहेंगी। सरकार ने पिछले बजट में अमीरों के लाभ पहुंचाने के लिए जो उपाय किए थे वे गरीबों के नुकसान के लिए बरकरार रहेंगे। इसीलिए प्रत्यक्ष करों की दरों में बदलाव नहीं करना कोई अच्छी खबर नहीं है। अब देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों के आवंटन, क्योंकि बजट की मात्रा सिकुड़ रही है, आवंटन भी कम होगा और पर्याप्त आवंटन करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त क्षमता नहीं है। अगर हम एक नज़र रुपी गोस डॉक्यूमेंट को देखें तो हमें पता चलेगा खर्च के 70-80% ऐसी चीज़ों पर होता है जिन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, मतलब वे आवश्यक व्यय है जिन्हें सरकार को अनिवार्य रूप से वहन करना पड़ता है। वे सब्सिडी, रक्षा खर्च, पेंशन, वेतन, करों में राज्यों की हिस्सेदारी और सरकारी ऋण पर ब्याज जैसे। अब सरकार किस सेक्टर पर कितना आवंटन कर सकती है, आइए देखें कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कितना आवंटन किया गया। सामाजिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है, कृषि महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी को भोजन प्रदान करती है, 1.3 अरब लोगों तक देश में खाद्य सुरक्षा इस क्षेत्र की एकमात्र जिम्मेदारी है, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार कृषि द्वारा प्रदान किया जाता है, इसीलिए कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। आइए पहले स्वास्थ्य खर्च पर नजर डालते हैं। बजट में स्वास्थ्य आवंटन 86,606 करोड़ रुपए है। नहीं, मैं उन विवरणों में भी नहीं जा रहा हूं कि कुछ चीजें जो स्वास्थ्य शीर्ष के अंतर्गत नहीं आती है उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। वास्तव में स्वास्थ्य आवंटन 86,606 करोड़ है, जबकि 2021-22 संशोधित आंकड़ा 75,980 करोड़, तो वर्तमान आवंटन 721 करोड़ अधिक। क्या यह वास्तव में एक उच्च आवंटन नहीं? जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार का स्वास्थ्य बजट 0.3% है, जबकि विशेषज्ञ समितियों को हम अक्सर डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी आयोग और यहां तक कि योजना आयोग की तरह उल्लेख करते हैं। उन्होंने क्या सिफारिश की? यह जीडीपी का 2.5-3% होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रणाली की दिशा में प्रगति करने के लिए। स्वास्थ्य खर्च पर विश्व का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 6% है। विश्व औसत की तो बात ही छोड़िए, लेकिन भारत में विशेषज्ञ समितियों ने क्या सुझाव दिया? 2.5%। बजट राशि उसके आसपास नहीं है, बेशक राज्य सरकारों एक और 0.7% खर्च कर सकती है। 0.7 और 0.3 को जोड़ने पर हमें 1% प्राप्त होता। इस महामारी के अनुभव के बाद भी आवंटन वांछनीय स्तर के करीब नहीं है। अब शिक्षा पर आवंटन 1,04,278 करोड़, यहाँ सकल घरेलू उत्पाद का 0.4% है। सरकार को शिक्षा पर कितना खर्च करना चाहिए था? कोटारी आयोग ने बहुत पहले 1966 वर्ष में कहा था कि शिक्षा पर खर्च जीडीपी का 5% होना चाहिए और वह लक्ष्य 1985-86 वर्ष तक प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था। शिक्षा बजट हमेशा लक्ष्य से काफी कम रहा है। और अधिक महत्वपूर्ण खंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, कृषि। कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए कितना निर्धारित किया गया था? यहाँ 1,51,521 करोड़ था। हाँ, यहाँ 2021-22 बजट के संशोधित अनुमान की तुलना में अधिक है। कितना अधिक? 3,755 करोड़। लेकिन यदि आप 1,47,704
64 करोड़ पर 5% भी मुद्रास्फीति की गणना करे तो यहाँ 7,388 करोड़ बनता है, लेकिन वास्तविक उच्च परिव्यय 3,755 करोड़ था, इसके आधे से थोड़ी ही ज्यादा। इसका मतलब है कि कृषि और संबंध गतिविधियों पर नकारात्मक आवंटन है। इससे भी बुरी स्थिति खाद्य सब्सिडी, हमें इसे सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में खोजने के लिए कोई बड़ी गणना करने की आवश्यकता नहीं है। आवंटन 2,06,831 करोड़ है, संशोधित अनुमान 2,86,459 करोड़ था। इस प्रकार वर्तमान बजट आवंटन सीधे तौर पर 69,638 करोड़, या कहो कि संशोधित अनुमान में आवंटित राशि से 80,000 करोड़ रुपए कम है। और उर्वरक आवंटन के बारे में क्या है? उर्वरक पर आवंटन 105,222 करोड़ है और पिछले वर्ष का संशोधित अनुमान 142,122 करोड़ था, यानी इस साल का बजट पिछले साल के संशोधित अनुमान से 34,900 करोड़ कम है। इस तरह गणना के लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता के बिना कम आवंटन बहुत स्पष्ट रूप से देखा जाता है। आइए अब पूंजीगत व्यय और रोजगार पर सरकार के दावों को देखें। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहनों के कारण आत्मनिर्भर विजन और बजट में पूंजीगत व्यय के तरह 60,00,000 नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है 5 साल की अवधि में, यानी 12,00,000 प्रतिवर्ष, 1.2 मिलियन रोजगार सृजन। लेकिन देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है? CMII के आंकड़ों के मुताबिक देश में 53 मिलियन बेरोजगार है 2021 दिसंबर तक, और इसके अलावा हर साल 5 से 6 मिलियन नए बेरोजगार इस संख्या में जुड़ रहे हैं। बेशक कुल बेरोजगारों में से 17 मिलियन सक्रिय नहीं है, केवल 36 मिलियन सक्रिय है। निष्क्रिय का अर्थ है कि वे रोजगार की तलाश नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए कि वे जानते हैं कि रोजगार तलाशने के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन 53 मिलियन बेरोजगार है और हर साल 5 से 6 मिलियन जोड़ रहे हैं, 5,30,00,000 बेरोजगार, हर साल 50,00,000 नए बेरोजगार, जबकि यह मौजूदा स्थिति है। लेकिन प्रति वर्ष केवल 12,00,000 या 5 साल के लिए 60,00,000 रोजगार सृजन। अब MSME, माध्यम लघु सूक्ष्म उद्यम, सरकार ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया? सबसे पहले यह सेक्टर क्यों महत्वपूर्ण है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 111 मिलियन व्यक्ति MSME सेक्टर से जुड़े हुए हैं। NSS के 73rd दौर का सर्वेक्षण 2015-16 डेटा के अनुसार कम से कम 55 करोड़ लोग MSME पर निर्भर है। न केवल लोगों का रोजगार के मामले में, MSME ग्रास वैल्यू एडेड में 33% का योगदान देता है। भारत के निर्यात में MSME की हिस्सेदारी भी 50% है, इसलिए इस क्षेत्र को भारी समर्थन की जरूरत है। दुर्भाग्य से कोई पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा, मदद की ऐसी कोई मंशा बजट में नजर नहीं आ रही है। MSME की मदद के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 130,00,000 MSME लाभान्वित हुए। ECLGS के बारे में एक छोटा सा स्पष्टीकरण, इस योजना के तहत सरकार एलिजिबल बोरोअर्स को अतिरिक्त ऋण की गारंटी देती है।
जिन कर्जदारों ने एक निश्चित समय के दौरान कर्ज लिया है, अब सरकार क्या करना चाहती है? सरकार अब इस योजना को 2023 मार्च तक जारी रखेगी। सभी के लिए नहीं, केवल अतिथि और संबंधित खंड, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हमें नहीं पता कि इस योजना ESLGC के तहत वास्तव में कितने लोगों का लाभ मिला। भले ही उन्हें मिल गया हो तो यह सिर्फ एक बैंक ऋण सुविधा है, वास्तव में यह MSME के लिए काफ़ी मदद नहीं है। एक अन्य योजना जिसे सरकार ने बजट में घोषित किया, रैंप। ये रैंप क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, MSME प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना। हमें अभी विवरण जानना है, लेकिन परिव्यय क्या है? 5 साल में 6,000 करोड़ रुपये, यानी भारत में सालाना MSME क्षेत्र को 1,200 करोड़ नाम मात्र खर्च। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि इस नई योजना से भी पर्याप्त लाभ मिलने वाला है। हम बजट में कुछ दिलचस्प चीज देखते हैं, उनमें से एक क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर कर लगाना। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल बनाने जा रही है? हम कह सकते हैं कि बजट में कुछ अच्छे कदम भी है, हालांकि अपर्याप्त। उदाहरण के लिए, हर घर नल से जल, 3.8 करोड़ घरों में पीने का पानी, इसके लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख मकान, 38,000 करोड़ रुपये का आवंटन। ये निस्संदेह अच्छे उपाय है, लेकिन मकान कितने अच्छे होने वाले हैं? क्या सरकार सच में अच्छे घर बनाने जा रही है? योजनाएँ अच्छी है, लेकिन द क्वालिटी और पर्याप्तता। तो कुल मिलाकर बजट संतोषजनक नहीं है, आम लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने इसे पहले से नहीं किया है। कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ऐसा करने से जब भी मैं इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।